महामारी के चलते राज्य सरकार द्वारा लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं। इसके चलते राज्य सरकार द्वारा पठानकोट चिंतपूर्णी मेडिकल हॉस्पिटल में कोविड-19 केयर सेंटर स्थापित किया गया था, जिसकी क्षमता 500 बेड की थी और कोरोना संक्रमित मरीजों को यहां पर इलाज के लिए रखा जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की गिनती में लगातार इजाफा हो रहा है। वैसे इस महामारी से निजात पाने वाले मरीजों की गिनती भी तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा अब इस कोविड सेंटर को बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर बात पठानकोट के सिविल सर्जन की करें तो उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। इस संबंधी जब सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज में उनके पास 53 के करीब मरीज इलाज के लिए भर्ती थे, जिनमें स्टेज 1 और 2 के साथ कुछ मरीज ऐसे भी थे जो ऑक्सीजन पर थे। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से आए संदेश के बाद उनकी तरफ से चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज में बनाए गए कोविड केयर सेंटर को बंद कर दिया गया है। वहां भर्ती 53 मरीजों में से 12 को पठानकोट के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है, जबकि बाकियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सिविल सर्जन ने कहा कि ये फैसला एकदम से लिया गया है, अगर सरकार द्वारा कुछ समय और दिया जाता तो इन मरीजों को सही से इलाज करके वापस भेजा जा सकता था। हाँ, कल शाम को एकदम ही व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि जेडे साढ़े ट्रिपल सी चल रहे हैं कोविड केयर सेंटर उन्होंने बंद करता जाए सारे पंजाब दे विच्चों। और उन्होंने पालना है तो अज असी साढ़े को कल 53 पेशेंट सीगे, जिन्हां दे विच्चों लैवल 1 दे विच 16 सीगे ते 37 दूसरे सीगे लैवल 2 दे पेशेंट, इन्हां विच्चों 22 जिहड़े ऑक्सीजन ते भी सीगे ते जिहड़े लैवल 1 ते वाले तो सारे अज पेशेंट डिस्चार्ज करते आ। लैवल 2 दे विच भी काफ़ी पेशेंट जिहड़े आ उन्होंने डिस्चार्ज करता, साढ़े को एट प्रेजेंट जिहड़े आ 12 पेशेंट रह गए जिन्हों असी सिविल होस्पिटल पठानकोट विच लैवल 2 फैसिलिटी साढ़े 50 बैड की हैगी आ उहदे विच शिफ्ट करन वास्ते कह दिता गया। कोरोना के केसिज घट रहे हैं अगे नालों, कल सारे इंडिया के 96,000 के तकरीबन केसिज आते थे, हुण जिहड़े आ ये पिछले 10-12 दिनों तो ट्रेंड देख रहे हैं केसिज घट रहे, हुण 74,000 केसिज सारे इंडिया के रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना का ग्राफ तो डिग रहा है पर फिर भी जिहड़ा डिसीजन एकदम लिया है ये नहीं सी लैना चाहिए, थोड़ा जिहा यानी कि टाइम देना चाहिए सी सरकार नूं ताकि असी प्रोपर वे दे नाल उहना पेशेंट की शिफ्ट कर सकते जां उहना दी देखभाल कर सकते। जो सरकार की पॉलिसी हैगी है कि जेडे एसिम्टोमैटिक या माइल्ड सिम्टोमैटिक आ वो तो अपने होम आइसोलेशन उन्होंने किया जाएगा, साड़िया RRT दियाँ टीमें है ने उत्थे उन्होंने चैकअप कर दिया ने 3 या 4 बारी, पहले दिन, तीसरे दिन ते 10वें दिन। इस तो अलावा पेशेंट नूं जिहड़ी किट दित्ती जांदी है मिशन फतेह किट, उहदे विच सारियां चीज़ां हैगियां ने, पल्स ऑक्सीमीटर हैगा, डिजिटल थर्मामीटर हैगा, पेशेंट ने अपना रिकॉर्ड खुद रखना हैगा, उहदे विच चार्ट बनिया हुंदा, उस च दिन च तीन या चार बारी अपनी रीडिंग जिहड़ियां ने उह रखनियां हुंदियां ने। पेशेंट नूं समझाया जांदा है कि जदों भी उहदी उह ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 तों थले आउण लगे इमीजिएटली होस्पिटल रिपोर्ट करो। उन्हां केसिज दे विच जिहड़ा साडी लैवल 2 फैसिलिटी 50 बैड दी सिविल होस्पिटल पठानकोट हैगी आ उत्थे उहनूं असीं शिफ्ट करांगे। मेरी लोगों को यही अपील हैगी आ कि जिहड़ी करोना जिहड़ी बीमारी हैगी आ इह घातक बीमारी हैगी आ इहनूं लाइटली ना लिया जावे, जो सेहत विभाग वालों जो भी हदायतां दित्तियां गईयां ने उहनां दा पालन कीती जावे, मूँह ते मास्क पा के रख्या जाए, बार बार हाथ जिहड़े आ उहनूं सैनीटाइज जां साबण दे नाल साफ कीते जाण अते 2 गज की दूरी बना के रखण। देखो सरकार ने जो फैसला लिया है काफ़ी सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि लोग जोड़े घर रह रह के तंग आ चुके सी, लोगों का जोड़ा व्यापार सेगा वो काफ़ी घाटे जा रहे थे, व्यापारी काफ़ी उन्होंने नुकसान हो रहा सीगा, इन सारिया चीज़ों देखते दे हुए सरकार ने फैसला लिया कि आप जोड़ा है
सारिया चीज़ा खोल दिखाई जान, करफ्यू खत्म करते, सैटरडे संडे जोड़े लगते थे वह भी खत्म करते, ईवन हूँ 50% कपैसिटी के नाल सिनेमा हॉल, थिएटर, शॉपिंग मॉल ये सारे खोल दते गए जी। Regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway.